तुम यहाँ कैसे? आपके चेहरे पर लगा मास्क जो हटाना था। मैं जानता हूँ कि आप बड़ी तक बनकर घूमते रहते हैं, लेकिन अंदर से काफी ज्यादा गहरी हूँ। सबके हेल्प करती हूँ, लेकिन ऐसा क्यों? आखिर तुमने देख ही लिया इस चेहरे के पीछे छुपा असली रेखा चेहरा। चलो बैठो। रामू काका, विवान के लिए अच्छा सा जूस बनाकर लाओ, तब तक मैं स्नैक्स लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक्स। जरूरत तो मुझे है विवान। पहली बार तुम अपने बड़े भाई के घर पे आए हो। मैं भी तो देबू की तरह तुम्हारा बड़ा भाई जैसे बना। सॉरी, पर मेरे भैया सिर्फ देबू भैया। देबू भैया की जगह कोई नहीं ले सकता। ठीक है, तुम यहाँ बैठो, लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई आज तुम्हें यहाँ से जूस पे बिना नहीं जाने देगा, ओके? रामू काका, जूस। जूस? अरे नहीं, अरे अरे भैया रुके, अरे मैं तो बस आपसे ऐसे ही बात करने आया था। अरे विवान, 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 हम विवान को कहाँ ढूंढे देबू भैया? ये खुशी हवा से बात कर रही है, मतलब इसने देख लिया है देबू को, और देबू साथ में ही है खुशी के। कहोगे नहीं, स्वागत है तुम्हारा भैरानी तिमनासा काललोक में। कहूंगा ना तिमनासा, जरूर कहूंगा, पर एक बार तुम पूरी तरह से जीवित तो हो जाओ, और तुम्हारे स्वागत का तोहफा दोनों बालवीरों का अंत करके दूंगा। और कैसे करोगे तुम अंत? आगे पीछे ढूंढकर। अब हमें किसी भी तरह जल्द से जल्द बालवीर के शरीर को अपने जहाज में लेकर जाना होगा। अगर हम सब यहाँ से चले गए तो तिमनासा को जीवित करने वाली प्रक्रिया को फिर कौन रोकेगा? ये प्रक्रिया रोकना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन पर इस समय हमारी प्राथमिकता बालवीर के शरीर को बचाने की है। विवान जरूर रे के घर पर होगा। ओह, मेरे भाई को अपना भाई बनाकर बुराई का साथी बनाना चाहते हो ना तो? लेकिन रे, आज तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बुरे इरादों को भी धराशायी कर दूंगा मैं। विवान, विवान, मुझे तुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। काश, काश तुम मुझे देख पाते रे, तो मेरे चेहरे पर जो खुशी है, जो 2000 वाट के बल्ब की तरह चमक रही है, तुम्हारे सच के सामने आने से तुम उसे देख पाते। पर कोई बात नहीं, मैं तो फ्यूज बल्ब की तरह तुम्हारा बुझा हुआ चेहरा देख ही सकता हूँ। विवान तो सोच भी नहीं सकता है जो आज मैं तुझे बताने वाली हूँ। दीदी, आप सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे हो? आपको पता है ना, मुझे एक्शन पसंद है, सस्पेंस नहीं। ठीक है, तो तू खुद ही ये चश्मा पहन के देख ले। हाँ,
ये क्या हुआ? आजकल कोई घर में आता नहीं कि लाइट चला जाता है जी। अच्छा दीदी देखो तुम क्या दिखाना चाहती हो उस चश्मे में? देखना क्या है, तू तो सलमान भाई का फैन है ना, और ये कितना अजीब चश्मा है। छी, छोड़ इन्हें। अरे खुशी ये तुम क्या बोल रही, तुम्हें विवान को चश्मा पहनाना है, उसे चश्मा दो खुशी। और विवान कितना टाइम हो गया, मम्मी बुला रही है, जल्दी चल। अरे खुशी खुशी मेरी मेरी बात तो सुनो खुशी। ओ तो ये सब इस रेख की चाल है, जब लाइट गई थी तब अंधेरे का फायदा उठाकर इसे खुशी पर जादू कर दिया। जूस नहीं चाहिए ना? जूस और स्नैक्स उधार रहे। और अरे भैया आप जैसे हो वैसे ही सबके सामने भी रहना। अरे 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 विवान विवान चश्मा तो लेकर जाओ। हे अरे भैया आप खुशी दीदी का चश्मा मुझे दे दीजिए। क्यों? वो तो यहाँ फेंक कर गई है ना, तो मैं भी बाहर ही जा रहा हूँ, फेंक दूंगा इसे। विवान मैं इसकी बातों में मत फंसता, ये झूठ बोल रहा है, चश्मा ले लो इससे। अरे भैया इसे फेंकने की क्या जरूरत है, मैं उसे दुकानदार को वापस करके पैसे वापस ले लूंगा ना। नहीं अरे अरे यस हाथ आया हुआ चश्मा निकल गया। विवान के हाथों में चश्मा तो लग गया, बस उसकी आंखों पर लगाना बाकी है। पर क्या रहने खुशी पर जादू सिर्फ चश्मा वापस लेने के लिए किया था, या फिर सिंह सिंह सिंकाई सिंकाई। चलो समय के चक्कर में आके एक फायदा हुआ कि सुंदरी के दर्शन हो गए। प्लान ए खराब ना हो इसलिए लाइट्स के ऑफ होते ही मैंने प्लान बी को स्विच ऑन कर दिया। ने खुशी को वहां से यहाँ भेजा और मैंने उसे ऑक्टोपस की बॉडी में कैद कर लिया। आखिर बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। और अब ये खुशी नहीं विवान की गर्दन है हमारे हाथ में, और जब तक ये यहाँ है विवान कुछ भी नहीं कर सकता। आप बहुत बुरे हो रहे भैया। नहीं मैं तो आपको भैया भी नहीं बुलाऊंगी। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, क्योंकि मेरा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ बुराई के साथ है, और जब तक मेरा प्लान कंप्लीट नहीं हो जाता तुम यहाँ पर शिंकाई में आराम से गेस्ट बनकर रहो। जब तुमने असली खुशी को नकली खुशी से बदला था तो तुम उस चश्मे को भी बदल देते। कैसे बदलता? चश्मा विवान के हाथ में था। खुशी दीदी का चश्मा मुझे दे दीजिए। नहीं अरे अरे तो अब आगे क्या करना है? उस चश्मे को किसी भी तरह विवान से वापस लेना। नासा ने कहा था बालवीर का शरीर यहीं पर है, लगता है नासा की तरह उसकी जानकारी भी अधूरी है।
बस वन आवर और, फिर ये मैजिकल जेल मुझे बता देगा कि वो कौन सी स्पेशल पावर है जो इनविजिबल होकर मेरी हेल्प कर रही थी। अरे विवान, एक घंटा नहीं, एक सेकंड में पता चल जाएगा कि वो इनविजिबल पावर मैं हूँ। पर अब वो बात मैं तुम्हें बताऊं कैसे, क्योंकि उसके लिए तुम्हें वो चश्मा पहनना पड़ेगा। विवान? हाँ दीदी। विवान, कल पावर्स लेने की कोशिश में कभी मेरा सर कप पे चला गया, कभी वो कबर्ड टूट गई, लेकिन आज पक्का मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पावर्स मुझे चूज करेंगी। विवान प्लीज मेरी हेल्प कर दो प्लीज। लो, अनन्या अभी भी यही सोचती है कि उसे उसकी खास परी की शक्तियां नहीं मिली। चिंडी, मुझे एक बात बता, हम में से बड़ा कौन है? आप। तो फिर ये बड़ा वाला एप्पल किसको खाना चाहिए? आपको। शाबाश, तो ये लो छोटा एप्पल आप खाओ और ये बड़ा एप्पल मैं खाऊंगा। दीदी आप फोकस कीजिए, फोकस। फोकस फोकस तो मुझे भी करना पड़ेगा, वरना आज दीदी के रॉन्ग जादू से भारत नगर नहीं बचेगा। ठीक है, ये एप्पल आप खा लो, लेकिन मैंने सुना है कि एप्पल खाने से दिमाग बढ़ता है। हाँ? और हम में से कम दिमाग किसके पास है? मेरे पास। नहीं नहीं, तेरे पास, तेरे पास। तो ये एप्पल किसे खाना चाहिए? तुझे। भैया ये एप्पल हमें खींच के रहा है। अरे रुक जा एप्पल, ये कौन खींच रहा है हमें? भैया बचाओ। ओहो, अभी अनन्या अपनी शक्तियों के बाउंसर से दो तीन लोगों को रिटायर हट तो जरूर करने वाली है। चिंडी इस सामने तारे। क्या दीदी, पहले आपने उन्हें धक्का मारा फिर उस ठेले को। तो क्या धक्का मारना मेरी पावर थी? लेकिन ये तो मैं बिना पावर के भी कर सकती हूँ। अरे दीदी, मैंने कहा था ना कि कभी कभी स्टार्टिंग में आपके पास आपकी रियल पावर नहीं आती है। तो अब मैं क्या करूँ? अब आराम कीजिए, मुझसे पावर्स आ जाएंगी। नहीं दीदी, आपकी पावर तो नहीं आएगी, लेकिन भारत नगर वाले लोगों की जान तो बची रहेगी। विवान, सॉरी सॉरी दीदी, लेकिन अभी मेरा ध्यान ना मैजिकल जेल्स के रिजल्ट पे है। अभी ये जानना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा वो इनविजिबल फ्रेंड कौन है। तुम्हारा अनजान अदृश्य दोस्त मैं ही हूँ। अब ये बात मैं ही तुम्हें बताऊंगा विवान, क्योंकि चिंटू चिंटी की मदद करने से मुझे इतना तो पता चल गया है कि जब भी कोई मुसीबत में होता है तो मेरी शक्तियां कुछ पलों के लिए वापस आ जाती है। बस अब मैं इसी बात का फायदा उठाऊंगा, और जब भी अगली बार कोई मुसीबत में पड़ेगा तो मैं उसकी मदद भी करूंगा और उसी पल तुम्हें चश्मा भी पहना दूंगा ताकि तुम मुझे देख सको। इस द्वार के पीछे क्या है? भैमार की शक्तियां भले ही बढ़ गई हैं, पर दिमाग पहले जैसा ही कम है। इसका हमें फायदा उठाना पड़ेगा। भैमार, जल्दी मेरे पास आओ, पर यहां दिव्य शक्ति यंत्र नष्ट कर रही हैं। तिमनासा? तिमनासा की आवाज ने हमें बचा लिया, लेकिन उसने ये क्यों कहा कि परियों ने अपनी दिव्य शक्ति को नष्ट कर दिया है? पानी परी, वो तिमनासा की आवाज नहीं थी,
वो मेरा ध्वनि जादू था। भैमार यहाँ से दूर चला जाए इसलिए मैंने ये युक्ति लगाई थी। इससे पहले भैमार को पता चले हमें जल्द से जल्द अपने जहाज का रास्ता ढूंढना होगा। सही कह रही हो पानीपरी। बहुत समय हो गया हंसे हुए। पर देखो आज तुम्हें देखकर वापस हंसी आ गई मुझे, और ये भी यकीन हो गया कि तुम आज भी अकल के कच्चे लेकिन दिल के अच्छे हो बेमार। तभी तो बिना हकीकत जाने अपनी भैरानी की आवाज सुनते ही दौड़े चले आए मेरे पास। शायद तुम भूल रही हो तिमनासा, मैं वही भैमार हूँ जो मुझसे खेल खेलता है, उसे नर्क की आग में जलाता हूँ मैं। तो जाओ, और इससे पहले कि वो परियां उस बालवीर के शरीर को लेकर यहाँ से गायब हो जाए उन्हें कैद कर लो। अब इन परियों को दिखाऊंगा भैमार का भय। बालवीर से पहले इन परियों को मारूंगा। बस 50 मिनट्स बाकी है। वैसे हमेशा कोई ना कोई तो प्रॉब्लम में ही रहता है, पर आज जब मैं चाहता हूँ कि कोई प्रॉब्लम में फंस जाए कोई है ही नहीं। सुतली का ध्यान फोन में, अगर उसका पैर इस तेल पर फिसल गया तो मैं उसे बचा लूंगा और मेरा काम भी हो जाएगा। वाह, देखिए भगवान जी, अब मैं खुद बच्चों को प्रॉब्लम में डालने की प्रार्थना कर रहा हूं। वाह, पर करना तो पड़ेगा ही। आई एम सॉरी सुतली। देख के चलना था, नीचे तेल गिरा है। मैं भी फिसल जाती। थैंक यू विवान। विवान, मैं था ना सुतली को बचाने के लिए, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? एक तरफ चश्मा, दूसरी तरफ विवान के मैजिकल जेल वाले दाने, दो दो तलवार लटक रही है सर पे। दो तलवार, दो तुम, इसलिए मैं तीसरा बच गया। अपना मुंह बंद रखो और मुझे कोई सॉल्यूशन ढूंढने दो। इस समस्या का समाधान है मेरे पास। तुम क्या करोगे? खोज ली। मतलब विवान करेगा खुजली। विवान जो अपनी जेब में चश्मा लेकर घूम रहा है, हमें बस उसकी जेब से चश्मा निकलवाने के लिए ये खुजली वाला पाउडर डालना है। बस काम हो गया। What nonsense! सुपर हीरो को तुम खुजली के पाउडर से हराओगे? अरे इस खुजली वाले पाउडर से विवान इतनी खुजली करेगा कि वो नाच नाच कर अपना शर्ट उतार कर फेंक देगा और फिर मैं लपक कर जाकर चश्मा उतारूंगा। तुम दोनों सोचते रहो, मैं आज तो खुजली करके, अब मेरा मतलब खुजली करवा के ही रहूंगा। ब्रिगेंजा, अरे आज मैं तो चला, अरे चला। ब्रिगेंजा रुको, ब्रिगेंजा। पहली बार तो ब्रिगेंजा कुछ सही करने जा रहा है, उसे करने दो ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम है बालवीर, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो उसकी छूने की शक्ति एक्टिवेट हो जाती है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि अगर ब्रिगेंजा की वजह से कहीं विवान पे कोई मुसीबत आई तो बालवीर की छूने की शक्तियां एक्टिवेट हो जाएगी और फिर वो विवान को चश्मा पहना देगा।
परियों, वो रहा हमारा जहाज और हमें यहीं से अपने जहाज पर जाना होगा। लेकिन काल जल के ऊपर से हम मोड़ नहीं सकते परियों, फिर अपने जहाज तक कैसे पहुंचेंगे? ध्वनि परी, मैं अपनी शक्तियों से बर्फ का पुल बना देती हूँ। सोच लीजिए, अगर हमारा पैर फिसल गया तो हम सीधे कालजल में जाकर गिरेंगे और विवान और अनन्या की तरह हम भी भूतकाल में चले जाएंगे। ध्वनि परी, हमें ये खतरा उठाना होगा, अब जल्दी कीजिए, हमारे पास समय नहीं है। ठीक है, मार के भय से थर थर कांपोगी परियों, आज तुम्हारा बचना संभव है परियों। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।